हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ मूंग दाल के कुरकुरे मसालेदार पकौड़े। इसके लिए मैंने एक कप मूंग का दाल लिया है। इसको पानी डाल के अच्छे से धो लूँगी। इस पानी को हम लोग निकाल देंगे, इससे हमारे दाल जो है वो साफ़ हो जाएंगे। एक बार और पानी डाल के सारे पानी को निकाल दिया है मैंने। अभी मैंने इसमें लगभग 2 कप पानी ऐड करके इसको 2 घंटे के लिए रख दे रही हूँ। अभी 2 घंटे हो गए हैं, हम दाल है वो फूल गया है। अभी मैं इसको मिक्सर जार में ले लूँगी। इसके साथ मैंने लिया है 2 हरी मिर्च, लहसुन और अदरक। इन सबको डाल के एक मोटा सा दरदरा मैं पेस्ट बना लूँगी। बैटर बनाने के लिए मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन सारे बैटर को मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। इसे चटपटे मसालेदार बनाने के लिए कुछ सामग्री ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने एक छोटा चम्मच रवा लिया है और आधा चम्मच रवे के हिसाब से पानी डाल लेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रवा डालने से हमारा जो पकौड़ा है वो और ज़्यादा टेस्टी और कुरकुरा बनता है। अभी मैं मसाले में ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा काला नमक और टेस्ट के अनुसार नमक डाल लूँगी और थोड़े से कटे प्याज और धनिया का पत्ता। अगर आपको कड़ी पत्ता पसंद हो तो भी डाल सकते हैं, करी पत्ते से टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बारिश में कुछ गर्मा गर्म खाने का मन करे या फिर कोई मेहमान अचानक से आ जाए तो ये पकौड़े आप आसानी से बना सकते हैं। अभी मैं इसको 5 मिनट रेस्ट होने के लिए रखूँगी, तब तक तेल गर्म कर लेंगे। तो तेल मैंने गर्म कर लिया है और इसमें थोड़ा सा बैटर डाल के मैं देख रही हूँ कि हमारा तेल अच्छे से गर्म हो रहा है कि नहीं। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पकौड़ियाँ डाल लूँगी। इसके ऊपर थोड़ा तो गर्म तेल डालेंगे तो ऊपर से भी करारे हो जाएंगे हमारे पकौड़े। इसे हम लोग मीडियम हाई फ्लेम पे बनाएंगे, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं बनाए, नहीं तो पकौड़े कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से जल जाएंगे। ध्यान रखें कि पकौड़े जब ऊपर से अच्छे से पक जाएँ तभी पलटें। मैंने सारे पकौड़ों को पलट लिया है। पकौड़े गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इनको मैं निकाल लूँगी। एक टिश्यू पेपर की सहायता से निकालेंगे तो जो एक्स्ट्रा तेल है वो टिश्यू पेपर ले लेगा। थोड़े बैटर डाल के और थोड़े से हम लोग पकौड़े तल लेंगे। तो मुंबई का मशहूर गर्मा गर्म मूँग के पकौड़े बोलिए या फिर मूँग के भेजिए रेडी हो चुके हैं। चाय के साथ इनका मज़ा लेते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।